तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें, फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जहां दोस्तों पहली खबर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आई दोस्तों, कि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर अमित शाह ने किया ऐलान, कोरोना का टीकाकरण समाप्त होने के बाद पूरे देश में लागू करेंगे नागरिकता संशोधन कानून। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर राजस्थान से लगा मोदी अमित शाह को तगड़ा झटका, आज पूरे राजस्थान के टोल प्लाजाओं को फ्री कराएंगे किसान और 18 फरवरी को रोकेंगे देश की ट्रेनें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने फिर से ठोक दिया जीत का दावा, कहा 221 सीटें जीतकर फिर से बंगाल में बनेगी टीएमसी की सरकार। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर पहली बार लोकसभा में बोले राहुल गांधी, कहा मोदी अमित शाह करना चाहते हैं देश की मंडियां खत्म और कृषि कानून से जमाखोरी को मिलेगा बढ़ावा। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि किसानों के विरोध से पंजाब में डरी भाजपा, निकाय चुनाव में पंजाब में भाजपा ने 50% सीटों पर नहीं उतारे अपने उम्मीदवार। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर राकेश टिकैत ने फिर से मोदी अमित शाह को दी धमकी, कहा किसान नहीं जोड़ेंगे हाथ, मोदी अमित शाह को लेने ही होंगे कृषि कानून वापस। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मोदी सरकार ने LIC बेचने का किया ऐलान, तो देश के लोग बोले धीरे धीरे देश की जमीन को भी बेच देंगे मोदी अमित शाह। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको बताएंगे, वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच बचे दोस्तों पहली खबर की ओर, जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आई दोस्तों, कि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने किया बड़ा ऐलान, कहा कोरोना का टीकाकरण समाप्त होने के बाद पूरे देश में लागू करेंगे CAA। जय दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने आज बड़ा ऐलान किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में ऐलान किया है कि कोरोना महामारी का टीकाकरण समाप्त होने के बाद पूरे देश में नागरिकता संशोधन कानून को लागू कर दिया जाएगा, और इस कानून के लागू होते ही जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से हिंदू शरणार्थी आए हैं उन सबको नागरिकता दी जाएगी। इसी दौरान उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने मुसलमानों को नागरिकता संशोधन कानून पर गुमराह किया और कहा कि इस कानून के तहत आपकी नागरिकता छिन जाएगी। आगे गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि इस कानून के लागू किए जाने से भारतीय मुसलमानों की नागरिकता पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। अमित शाह ने आगे कहा है कि मोदी सरकार ने 2018 में वादा किया था कि वह नया नागरिकता कानून लाएगी और 2019 में भाजपा के सत्ता में आते ही वादे को पूरा किया गया और नागरिकता संशोधन कानून लाया गया। उन्होंने कहा है कि अब इसे कोरोना महामारी का टीकाकरण समाप्त होने के बाद लागू कर दिया जाएगा, क्योंकि कोरोना की वजह से नागरिकता संशोधन कानून को हमने लागू नहीं किया था। तो यह बड़ा ऐलान अमित शाह ने किया है, जिसके बाद अब पूरे देश में फिर से आंदोलन CAA को लेकर शुरू हो सकता है। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कृषि कानून को लेकर राजस्थान से लगा मोदी अमित शाह को तगड़ा झटका, आज राजस्थान में किसान सभी टोल प्लाजाओं को कराएंगे फ्री। जय दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर राजस्थान से मोदी अमित शाह को तगड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि राजस्थान के किसानों ने कल ऐलान किया था कि वह 12 फरवरी को राजस्थान के सभी रोडों पर लगे टोल प्लाजाओं को फ्री कराएंगे और कैंडल मार्च निकालेंगे और मोदी सरकार के नए कृषि कानून का विरोध करेंगे। इस बीच आज खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि आज सुबह से ही राजस्थान के रोडों पर लगे टोल प्लाजाओं को किसान फ्री करा रहे हैं और धरना दे रहे हैं, और वहीं आपको बता दें कि रोडों को भी जाम कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि किसानों ने यह बड़ा ऐलान कल ही किया था और किसानों ने कहा था कि अगर मोदी सरकार ने कृषि कानून को वापस नहीं लिया तो 18 फरवरी को वह पूरे देश में ट्रेनों को रोकेंगे और ट्रेनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि सुबह से ही राजस्थान में किसानों ने रोडों पर लगे टोल प्लाजाओं को फ्री करने का ऐलान कर दिया है, और फ्री भी कर रहे हैं और धरना दे रहे हैं, जिससे मोदी अमित शाह की मुश्किलें बढ़ रही हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने ठोक दिया जीत का दावा, मोदी अमित शाह के छूटे पसीने, ममता बोली 221 सीटें जीतेगी TMC। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में हाल ही में विधानसभा चुनाव होंगे और इसी को लेकर आज ममता बनर्जी ने भाजपा की मुसीबत बढ़ा दी है। दरअसल आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने दावा किया है कि वह 2021 के विधानसभा चुनाव में 221 सीटें जीत
जीतेंगी और पश्चिम बंगाल में फिर से टीएमसी की सरकार बनाएंगी। दरअसल आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की इसी महीने तारीखों का ऐलान होने वाला है और कब चुनाव होंगे इसके बारे में चुनाव आयोग ऐलान कर सकता है। इसी को लेकर ममता बनर्जी ने कहा कि वह 110% जीतने वाली हैं और 221 सीटें इस बार पश्चिम बंगाल में टीएमसी जीतेगी और फिर से टीएमसी की सरकार पश्चिम बंगाल में बनेगी। तो ममता बनर्जी ने फिर से जीत का दावा पश्चिम बंगाल में ठोक दिया है। इसी बीच बटे दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कृषि कानून को लेकर लोकसभा में पहली बार बोले राहुल गांधी, मोदी अमित शाह के छुड़ाए पसीने, कहा भाजपा कानून लाकर करना चाहती है मंडियां खत्म। जी दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कृषि कानून को लेकर लोकसभा में मोदी सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कृषि कानून को लेकर बोलते हुए कहा है कि कृषि कानून को लागू होने से जमाखोरी को बढ़ावा मिलेगा और मंडियां खत्म हो जाएंगी। आगे राहुल गांधी ने कहा कि कृषि कानून के कंटेंट में है कि कोई भी उद्योगपति जितना चाहे अनाज फल और सब्जी उतनी स्टोर कर सकता है, इस कानून से सभी को छूट दी गई है। आगे राहुल गांधी ने कहा कि कानून लागू होने पर देश के किसान और मजदूर व्यापारियों का धंधा बंद हो जाएगा, किसानों का खेत चला जाएगा और सही दाम नहीं मिलेंगे। राहुल गांधी ने आगे कहा कि सालों बाद हिंदुस्तान के लोगों को भूख से मरना पड़ेगा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएगी। सरकार की यह पहली कोशिश नहीं है कि प्रधानमंत्री ने इसे नोटबंदी में ही शुरू किया था। आगे राहुल गांधी ने कहा कि आइडिया था कि किसानों गरीबों से पैसा लो और उद्योगपतियों की जेब में डालो, फिर जीएसटी मोदी सरकार लाई और अब कृषि कानून लाकर किसानों को ही देश में खत्म करना चाहती है भाजपा, तो ये बड़ा हमला राहुल गांधी ने आज कृषि कानून को लेकर लोकसभा में बोला है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कृषि कानून के विरोध में पंजाब में डरी भाजपा, 50% सीटों पर नहीं उतारे भाजपा ने अपने उम्मीदवार। जहां दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र के कृषि कानून के विरोध के बीच 14 फरवरी को पंजाब के स्थानीय निकायों में 8 नगर निगम और 109 नगर कौंसिल के चुनाव में भाजपा उम्मीदवार और नेताओं को भारी विरोध का सामना किसानों का करना पड़ रहा है। किसानों के डर के चलते भाजपा ने करीब 50% सीटों पर अपने उम्मीदवार पंजाब में नहीं उतारे हैं। भारी विरोध के चलते लुधियाना में भाजपा के कई उम्मीदवारों को अपने चुनाव प्रचार कार्यालय बंद करने पड़े हैं। स्थानीय निकायों के लिए कुल 2215 वार्डों में से 1212 वार्ड ऐसे हैं जहां भाजपा के उम्मीदवारों ने पार्टी के चिन्ह पर चुनाव लड़ने से इनकार किया है। 2215 वार्डों में सबसे ज्यादा कांग्रेस ने 2128, सियाद ने 1569 और भाजपा ने सबसे कम 1003 उम्मीदवार ही उतारे हैं। हालांकि आपको बता दें कि कृषि कानून को लेकर पंजाब में जबरदस्त मोदी सरकार का विरोध हो रहा है और किसानों के विरोध के चलते 50% सीटों पर भाजपा ने अपने उम्मीदवार पंजाब के स्थानीय निकाय चुनाव में नहीं उतारे हैं, क्योंकि लगातार किसान भाजपा नेताओं को पश्चिम बंगाल के बाद अब पंजाब में पीट रहे हैं और इसी को लेकर यह तगड़ा झटका भाजपा को कृषि कानून को लेकर लगा है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो किसानों ने दी मोदी अमित शाह को चेतावनी, कहा हम नहीं जोड़ेंगे हाथ, कृषि कानून को करा कर रहेंगे रद्द। जय दोस्तों आपको बता दें बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि किसान नेता राकेश टिकैत ने अलवर के दौरे पर जाकर सभा को संबोधित करते हुए एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार को चेतावनी दी है और कहा कि हम किसी भी कीमत पर मोदी सरकार के हाथ नहीं जोड़ेंगे और मोदी अमित शाह को कृषि कानून रद्द करना ही होगा। दरअसल आपको बता दें कि सभा को संबोधित तो वे राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों को अब रोने की जरूरत नहीं है, पूरा देश किसानों के साथ खड़ा हुआ है। आगे उन्होंने कहा कि हल चलाने वाला हाथ नहीं जोड़ेगा, हम ही किसान हैं और हम ही जवान हैं और अनाज तिजोरी में हम किसी भी कीमत पर बंद नहीं होने देंगे। आगे टिकैत ने कहा कि भूख का व्यापार करने वाले लोग हैं, जितनी तेज भूख उतनी ही कीमत मोदी सरकार बढ़ाती है। आगे उन्होंने कहा कि रोटी को तिजोरी में बंद नहीं होने देंगे और जब तक मोदी सरकार तीनों कृषि कानून को रद्द नहीं करेगी और MSP पर खरीद नहीं होगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा और पूरे देश में ये आंदोलन और बढ़ेगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किसान अब मोदी सरकार से आर पार के मूड में है। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो चीन ने BBC न्यूज पर लगाया प्रतिबंध, कोरोना और सिंजियांग पर गलत रिपोर्ट का दिया हवाला। जी हां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि चीन ने ब्रिटिश टेलीविजन चैनल BBC वर्ल्ड न्यूज को
आज बैन कर दिया है। चीन के राष्ट्रीय रेडियो और टेलीविजन प्रशासन ने गुरुवार को इसका ऐलान करते हुए कहा है कि बीबीसी न्यूज ने कोरोना वायरस और सिंजियांग को लेकर गलत रिपोर्टिंग की है। चीन ने यह भी कहा है कि बीबीसी ने समाचार के सत्य और निष्पक्ष होने की आवश्यक शर्त का भी उल्लंघन किया है और इसी को लेकर चीन ने बीबीसी न्यूज का लाइसेंस रद्द कर दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि चीन ने ये बड़ा प्रतिबंध अब बीबीसी न्यूज पर लगा दिया है। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो किसानों की मौतों का नहीं थम रहा सिलसिला। आज कुंडली बॉर्डर पर दो किसानों की मौत। जहां दोस्तों आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर पिछले 3 महीने से लगातार किसानों का आंदोलन दिल्ली की सीमाओं पर जारी है। इस बीच ठंड और अन्य बीमारियों के कारण किसानों की लगातार मौतें हो रही हैं, जिसका सिलसिला अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब तक 200 से अधिक किसानों की मौत सिंगू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के धरना स्थल पर हो चुकी है। इस बीच आज खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की कुंडली पर धरना स्थल पर दो किसानों की आज फिर से मौत हो गई है। पंजाब के किसान का शव पोस्टमार्टम के लिए सामान्य अस्पताल में रखवाया गया है। वहीं सिसाना के किसान के शव का परिजनों ने बिना पोस्टमार्टम कराए अंतिम संस्कार कर दिया है। पंजाब के जिला मोगा के गांव सैयद मोहम्मद के बुजुर्ग किसान हंसा सिंह की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई है। वह 2 माह से कुंडली बॉर्डर पर धरना स्थल पर डटे हुए थे। वहीं आपको बता दें कि वहीं मूल रूप से गांव सिसाना फिलहाल सोनीपत में रह रहे राजवीर उर्फ वीरे की बुधवार रात को भी तबीयत बिगड़ने के बाद मौत हो गई है और ये भी पिछले 2 महीने से लगातार कुंडली बॉर्डर पर किसानों का धरना स्थल में शामिल हुए थे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की लगातार किसानों की मौत अब भी जारी है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो LIC कंपनी बेचेगी मोदी सरकार, एजेंट हुए परेशान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है तब से लगातार सरकारी बैंक, रेलवे और हवाई अड्डों को बेच रही है और उनका निजीकरण करती हुई जा रही है। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि देश की सबसे बड़ी कंपनी LIC में भी अब मोदी सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचने वाली है, जिसके बाद एजेंट परेशान हो गए हैं और छोटे निवेशक डरे हुए हैं। दरअसल आपको बता दें कि लोकसभा में केंद्र की मोदी सरकार ने हाल ही में ऐलान किया था कि वह 2 और सरकारी बैंकों को बेचने वाली है। इसी के साथ जीमा बीमा निगम LIC का ये IPO भारतीय शेयर बजार के इतिहास का सबसे बड़ा IPO है, लेकिन मोदी सरकार इसे भी बेचने वाली है और अब बीमा कंपनी LIC को मोदी सरकार निजी हाथों में देने वाली है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि धीरे धीरे सब कुछ मोदी सरकार बेचने में जुटी हुई है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो काला हिरण मामले में सलमान खान को मिली राहत, जोधपुर कोर्ट ने राज्य सरकार की अपील की खारिज। जय दोस्तों, आपको बता दे कि जोधपुर जिला अदालत ने काला हिरण शिकार मामले में बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को गुरुवार को बड़ी राहत दी है। सलमान खान के खिलाफ झूठे हलफनामे को लेकर राज्य सरकार की दलीलों को अदालत ने खारिज कर दिया है। इससे पहले राज्य सरकार की तरफ से सलमान खान के खिलाफ दायर याचिका को निचली अदालत ने भी खारिज कर दिया था। सलमान खान के वकील हसमितल सरस्वत ने कहा कि सेशन कोर्ट ने एक रिटेल आर्डर में राज्य सरकार की तरफ से दायर दोनों याचिकाओं को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि हमने साल 2006 में ये जवाब दिया था कि गलत हलफनामा दायर नहीं किया गया था और ऐसी याचिकाएं सलमान खान की छवि बिगाड़ने के लिए लगाई गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि अदालत ने दलील दी कि ये हलफनामा जानबूझकर प्रस्तुत नहीं किया गया, क्योंकि खान एक व्यस्त अभिनेता हैं और उस समय उनके लाइसेंस के बारे में कोई भी सटीक जानकारी नहीं थी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि सलमान खान को ये बड़ी राहत कोर्ट से मिली है।